यहाँ सभी को प्रणाम करते हुए, सभी का आशीर्वाद लेते हुए अपनी ओर से कार्यक्रम प्रारंभ कर रही हूँ। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, क्योंकि हमने हमारे दादाओं से ही सीखा है, जब भी कोई कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले भगवान गणेश माता सरस्वती का आवाहन करते हैं। बिल्कुल, मैं भी महामाई माता सरस्वती को मना रही हूँ। बिल्कुल बेटे, बिल्कुल। कहना है माँ, माँ आज की रात्रि आप जहाँ कहीं भी हैं, माता रानी मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप जहाँ कहीं भी हैं दौड़कर मेरे मंच, मेरे हृदय और बाड़ी में विराजमान हो जाइए और इस कार्यक्रम को सफल बनाइए माता रानी। जय हो। क्योंकि आज की रात्रि का जो गाना बजाना है वो साधारण नहीं है माता रानी, ये मंडल बहुत साधारण है, लेकिन सौभाग्य आज प्राप्त हुआ है हमारे सम्मानी दादा जी के साथ गाने का। आओ बेटे, ये लोग महान है, हम लोग महीन है। जब तक माता रानी की कृपा नहीं होगी हम कुछ नहीं कर सकते, करते नहीं। तो निवेदन है माता रानी से, कहे माँ मा, अपनी कृपा बनाइए। और यही निवेदन मैं सम्मानी अपने पूजनीय दादाजी से भी कर रही हूँ कि आज की रात्रि आपका आशीर्वाद चाह रही हूँ। वो मिल चुका है बेटे, उसकी टेंशन नहीं है। और मेरा ये सौभाग्य है कि देखिए सहयोग में हमारे दादाजी हैं, सहयोग में हमारे दादाजी हैं, और मुझे सहयोग मेरे बड़े भाई का भी मिल गया है जो हमारे दादाजी के पुत्र हैं भैया श्री अजय कुमार बागी जी महंत संडीला से पधारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, नमन है मेरी ओर से। अच्छा अच्छा, अपनी ओर से महामाई माता सरस्वती भगवान गणेश को मना रही हूँ। और आज का कार्यक्रम हमारी देवी स्वरूपाएं माताएं बहनें भी सुन रही हैं, ये मेरा परम सौभाग्य है। और आज यूट्यूब वाले साइट बदल के आया है। सुने सुने भाई साहब, कि विघ्न हरण मंगल बाबा गणेश जी के चरणों में जय हो। और प्रणाम कर रही हूँ शक्ति को जिसने अथक प्रयास किया है हमारे बुंदेलखंड में, जो बुंदेलखंड की जवाबी कीर्तन के रचयिता है, जिन्होंने चलन चलाया है जवाबी कीर्तन का, परम पूजनीय हमारे स्वर्गीय पिताजी श्री मैया दीन तिवारी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, आशीर्वाद ले रही हूँ। जय हो। उनके पुत्र हमारे सम्मानी बड़े भैया भैया श्री देवेंद्र तिवारी जी, उनका अनंत आशीर्वाद और उन्हीं के सहयोग से ये बच्ची कुछ कर रही है और कुछ कर पा रही है। और मैं ही नहीं, कीर्तन विधा से जुड़ा हुआ कोई भी कलाकार हो, सम्मानी हमारे भैया सभी का सहयोग करते हैं, सहयोग वो चाहे जैसा हो, तन मन धन से इस कीर्तन के क्षेत्र में लगे हुए हैं,
शमानी भैया बुंदेलखंड कीर्तन उत्थान समिति के अध्यक्ष बड़े भैया श्री देवेंद्र तिवारी जी उर्फ पप्पू भैया, आपको भी चरणों में कोटि कोटि नमन है। बिल्कुल आशीर्वाद ले रही हूँ। हमारे शमानी भैया श्री जो हमारे साथ लेखन का कार्य कर रहे हैं, बड़े भैया हमारे दीपक द्विवेदी जी, आपका भी आशीर्वाद चाह रही हूँ, नमन है मेरी ओर से। बिल्कुल उस शक्ति को भी मना रहे हैं जिसने हमको मंच पर बैठना बोलना सिखाया है। कहना क्या कि गुरुवर मोहिना विसारियो चाहे लाख जने मिल जाए, कि मौसम तुमको लाख है पर तुम शम मोको ना। प्रणाम कर रही हूँ गुरुवर के चरणों में। गुरुवर पंडित श्री लालचंद दीक्षित जी खरेला उत्तर प्रदेश, परम पूजनीय गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। कहना है माँ, एक निवेदन है सभी से, रात्रि भर हम माता रानी की आराधना करते हैं भक्ति गीतों के साथ, लेकिन एक निवेदन कर रही हूँ, महामाई की वंदना हम बच्चे कर रहे हैं साज और आवाज से, आप भी अपने भाव हमारे साथ मिला लीजिए ताकि वो वंदना हमारी और आप सबकी तरफ से हो जाए। तो कहना क्या कि यादे विषय विभूतेषु शक्ति रूपे नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय हो माता रानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आइए। हालांकि वंदना में फिल्मी धुन बताना आवश्यक नहीं है, लेकिन कुछ दुनिया फिल्मी दुनिया वालों ने ऐसे निकाली है जो किसी वंदना से कम नहीं है, वो अपने आप में ही एक वंदना का रूप लिए है। तो एक ऐसी ही धुन फिल्मी दुनिया वालों ने निकाली है कि कोई पुकारे किसी नाम से बनाना है। प्रार्थना करने लगी भक्त तो कहना पड़ा कि मैं तुम्हारे नाम से हर काम करती हूँ, तो हर काम का परिणाम तुम्हारे नाम करती हूँ, तो आज तन मन धन सभी तुमको समर्पण कर, तो इस नीलम को तेरे नाम पर नीलाम करती हूँ। तो कहना है माँ,
क्या बात है, बाजार है बेटे कहना Thank you.
आज के कार्यक्रम का सबसे पहला पुरस्कार हमारे ही बेटे श्री अजय कुमार बागी जी जो एक बहुत अच्छे आयोजक हैं और अभी पिछले महीने जनवरी में ही 14 जनवरी को 13 और 14 जनवरी को दो दिवसीय टूर्नामेंट करवाया था अपने छोटी अयोध्या रामनगर में, तो मुझे भी वहां सौभाग्य मिला था उनकी ओर से ये 101 रुपए का पुरस्कार और साथ में कुछ माल प्रदान हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद देता हूँ आपको। और ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे बुजुर्ग पिता समान श्री सतगुरु दीन जी की तरफ से 51 रुपए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी ओर से, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, समय अधिक हो गया है इसलिए मैंने वाद्य वादन में कमी कर दी है। वाद्य वादन में तो कमी मैंने कर दिया है थोड़ा सा कम, लेकिन कलाकार जिसकी बदौलत कलाकार बनता है तो उस माँ की आराधना करना तो नहीं भूल सकता है। तो वही औपचारिकता कर रहा हूँ, एक छोटी सी वंदना। हालांकि वंदना मैं दूसरी पढ़ने वाला था लेकिन लोगों ने कहा फरमाइश वंदना में ही कर दी है, तो मैं वही तर्ज सुना दूंगा। क्या बात है, के गुरु गणपति पद वंदना, ये सीटी होगी वंदना, ये है बात, तो कैसे होगी वंदना। उम्र के देखो भाई, भाई थोड़ा ध्यान रखिए, हम कलाकार लोग रात भर गाएंगे और गवाने वाले आप ही हैं। अगर आप लोग ही इस तरीके से अपनी मशीनरी पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम लोग अपनी जवान पर भी कहां तक कंट्रोल कर रहे हैं। के गुरु गणपति पद वंदना, गुरु गणपति पद वंदना, पूजहु प्रथम गणेश और दूजे सुमिरो शारदे, तो कीजे कंठ प्रवेश, सब संकट कट जाए। सुमिरो शक्ति माँ, चौथे सुमिरो शक्ति माँ, उमा करो कल्याण, तेरे गुणगान में बाचे वेद पुरा, हाँ।
धरता विश्व के श्री ब्रह्मा विष्णु महेश। तो वंदना में ही कुछ लोगों की फरमाइश आ गई है, वंदना से ही फरमाइश पूरी कर रहा हूँ। कुछ गीत अपने आप में, कुछ 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 फिल्मी गीत भी अपने आप में एक वंदना के समान लगने लगते हैं। तो जब गीत ही वंदना मालूम पड़ने लगे तो फिर कलाकार को फिल्मी तर्ज बताने में भी कोई संकोच नहीं करना, बिल्कुल नहीं। तो ये वही बता रहा हूँ, एक फिल्मी गीत आप लोगों ने सुना होगा, फिल्म वालों ने कहा क्या कि माँ बच्चों की भतीजे राजू गुप्ता, अब तो ऑटो वाले हैं, उनकी ओर से ये 51 रुपए हमारे नाल पर संगत कर रहे हैं, लालजी को दे रहे हैं, बहुत बहुत
क्या श्वेत श्वेत पद्मासन कभी खफा नहीं होती। क्या है माध्यम, क्या है पंचम। मैं गाने के लिए तो सब शुरू हो गया, लेकिन मैया मुझे कुछ भी तो आता जाता नहीं है। क्यों? क्या है माध्यम और क्या है पंचम। राग रागिनी मैं क्या जानू, मैं क्या जानू सर। क्या बुजुर्गों से जो सुना है, किताब जानता हूँ मैया कि तू ऐसी देवी है, तुझको पूजे जग सारा भी, पूजे जग सारा भी, देवों के द्वारा भी, पूजे जग सारा भी और देवों के द्वारा भी तू पूजी जाती है। चरणों में सादर समर्पण करता है भक्त और कहता है माँ मैं हूँ नैया, तू है खिवैया तो भौसागर से पार लगा दे, आज तू मेरी नैया। मैया जी के दर्शन करने को ये झोली भरने को और पैया भरने को ये मैं पैया पैया।
तू है कि मैया सागर से पार लगा दे आज मैया है मैया वंदना पर प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हो। धन्यवाद है भैया श्री रमेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद है। ओ सरस्वती मैया की जय।